हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग में हम लोग वोमेन फिगर कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वोमेन फिगर लिया है, इसके अलावा एक और वोमेन फिगर है। ये देखिए, ये मैंने 3 वोमेन फिगर तैयार किया है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन में मैंने 2 फिगर तैयार किया है। तो आज इनसे वोमेन फिगर पे हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फिगर तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ओवल शेप ड्रॉ करने से फेस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है, इसलिए सबसे इजी टेक्निक है कि ओवल शेप ड्रॉ करें। नेक के लिए मैंने थोड़ा सा कर्व लेते हुए एक लाइन ड्रॉ किया है। और अब हम आते हैं शोल्डर के साइड। शोल्डर के लिए मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हॉरिजेंटल लाइन को मैं एक यू का शेप देते हुए, मैं यू का शेप तैयार कर दिया है। ये यू का शेप इतना बड़ा होना चाहिए जितना आप बॉडी का अपर पार्ट रखना चाहते हैं वुमेन का। अब कमर के लिए मैंने थोड़ी डिस्टेंस में एक हॉरिजेंटल लाइन और दे दिया है जिससे मुझे कमर मिल जाए। और कर्व लाइन से इसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए, पतली सी कमर मुझे मेरे पास तैयार हो गई है। अब हम लोग चलेंगे हैंड पे। यहाँ मैंने हैंड के लिए सर्कल लिया है। मैं 3 सर्कल के सहारे और लाइन के सहारे मैं हैंड तैयार करूँगी जिस भी पोजीशन में रखना है। यहाँ मैंने सर्कल लिया है। सर्कल के बाद एक स्लाइटिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो एल्बो तक जाएगा, और एल्बो के पास भी एक थोड़ा छोटा सर्कल बनाऊंगी। उसके बाद एक रिस्ट के पास उस सबसे छोटा सर्कल बनाऊंगी। ये मैंने सर्कल बनाया, उसके बाद एक रिस्ट के पास सबसे छोटा सर्कल बनाऊंगी। इस तरह मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी हैंड बनाने में। जब भी आप हैंड बनाएं और इस टाइप से बड़ा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, उसके बाद छोटा सर्कल के सहारे अगर हैंड बनाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब भी हैंड का पोजीशन मुझे किसी भी अलग अलग तरह से रखना हो तो मैं स्लाइटिंग लाइन और सर्कल के सहारे मैं हैंड तैयार करती हूँ, जिससे मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करूँ, जिससे अगर आप बिगनर्स हैं तो इस टाइप की अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है फिगर तैयार करने में, हैंड तैयार करने में, तो आप इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप कोई भी टाइप के पोजीशन को आप बना सकते हैं वोमेन की। आप किसी भी तरह के हैंड को अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं या किसी चीज़ को उठाते हुए दिखाना चाह रहे हैं, तो सारे पोजीशन में ये फॉर्मूला आपको काफ़ी हेल्प करेगी। हैंड बनाने के बाद मैं यहाँ पे फिंगर्स बनाने के लिए मैं बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। जैसे जिस पोजीशन में आपको फिंगर रखना है तो आप उसी पोजीशन में 2 बॉक्स के सहारे भी बना सकते हैं। अब मैं इस बॉक्स को इरेज कर दूँगी, और इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे फिंगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि मैं किस टाइप की फिंगर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा इस टाइप के बॉक्स, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपको हैंड कितनी बड़ी रखनी है और हैंड को किस पोजीशन में रखना है, ये काफ़ी हेल्प करती हैं। ये देखिए, मेरे पास सुंदर सा हैंड तैयार हो रहा है। यहाँ हैंड तैयार हो जाने के बाद अब थोड़ा सा नेक पे वर्क कर लेते हैं, नेक तैयार कर लेते हैं और शोल्डर को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद मैं ब्लाउज़ तैयार करूँगी। आप मधुबनी पेंटिंग में अक्सर आप देखते होंगे कि साड़ी या लहंगे पहनी वुमेन को दिखाया जाता है, तो मैं वही सिंपल सी वुमेन तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ जितने भी सर्कल हैं, और अब हम लोग वर्क करेंगे फेस पे।
फेस के लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल शेयर किया है आपके साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कैसे फिगर ड्रॉ किया जाता है। तो मैं सेम उसी टेक्निक से मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे एल शेप लेने के बाद डबल सी और राइट के पोजीशन में डाल बना के मैं ये शेप तैयार कर दिया है। और अब मैं जूड़े के लिए फेस तैयार करने के बाद जूड़ा भी तैयार कर दिया है। अगर आप पूरी डिटेल से आप देखना चाहते हैं कि फेस कैसे तैयार किया जाता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक पे विज़िट कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग में आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आंखें हम जब भी बनाएं वो आंखें काफ़ी बड़ी हों। ये मैं पेंटिंग जो तैयार कर रही हूँ, ये ड्राइंग तैयार जो कर रही हूँ, वो साइड फेस में तैयार कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग में जो फेस तैयार किया जाता है वो 2D फेस तैयार किया जाता है। जब भी आप फेस तैयार करें तो आप इस बात का पूरा फिगर तैयार करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप इसमें 3D इफ़ेक्ट नहीं डालें। मतलब जब भी आप फिगर तैयार करें तो उसमें शेडिंग पार्ट को अवॉइड करें, शेडिंग पार्ट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप शेडिंग पार्ट दे देंगे तो मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि ये फोक आर्ट है और फोक आर्ट में अक्सर शेडिंग पार्ट को अवॉइड किया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पेंटिंग तैयार करने के लिए ओवल शेप बना रही हूँ। यहाँ मैं ऊपर देखते हुए वोमेन तैयार कर रही हूँ, और वैसी वोमेन जो अक्सर नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं, या रासलीला में अक्सर आप देखते हैं वोमेन बनाते हैं या राधा बनाते हैं, तो इस पोजीशन में अक्सर आपको वोमेन मिलती हैं। तो मैं उस वोमेन को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। मेथड सेम है, मैं बस फास्ट थोड़ा तैयार कर रही हूँ। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो मैंने पहली फिगर को ड्रॉ करने में मैंने जो आपके साथ फार्मूला शेयर किया था, सेम फार्मूला के साथ मैं सर्कल बना के मैं हैंड तैयार कर रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा हैंड डांसिंग पोज में है, इसलिए मैं ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन हर पोज में आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस फार्मूला के थ्रू आप हर पोज में आप फिगर तैयार कर सकती हैं। फिंगर के लिए भी मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं, जिससे हेल्प मिले मुझे फिंगर तैयार करने में। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है फिगर तैयार करने के लिए, लेकिन मैं अक्सर जब भी प्रॉब्लम होती है अच्छे से फिगर तैयार नहीं हो पाता है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ ये फॉर्मूले को शेयर किया जाए। उम्मीद करती हूँ ये सर्कल वाला फार्मूला आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप जब भी हैंड बनाते हैं और इस सर्कल के हेल्प से बनाते हैं तो मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं यहाँ पे ड्रेप को डेकोरेट कर देती हूँ थोड़ा बहुत, और पैर को बना देती हूँ। उसके बाद ओवरराइड कर आपको दिखाती हूँ कि ये फिगर कैसे तैयार हुई है हमारी। इस तरह मेरी तैयार हो गई है, ओवरराइड कर लिया मैंने ये फिगर और ये बहुत सुंदर लगने लगी है। इसी तरह अब हम लोग थर्ड फिगर के लिए जो फ्रंट फेस होगा, ये मैंने इससे पहले साइड फेस तैयार किया था, फ्रंट फेस के लिए मैंने फिर से ओवल लिया है और नेक तैयार करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर एक
हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अपर पार्ट कमर और सबसे नीचे पार्ट के लिए अलग अलग ले रही हूँ, अलग अलग डिस्टेंस। आप ध्यान में रखिए कि आपको अपर पार्ट कितना लेना है और कमर के साइड कितना कितना कमर आपको रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे भी इस फिगर को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका होता है अगर आप फ्रंट फेस वोमेन को तैयार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्प करती है। इसके बाद मैं नेक तैयार करने के बाद थोड़ा कर्व देते हुए नेक तैयार कर लिया है। अब ये हैंड के पोजीशन को मैं ऊपर के साइड रखूँगी, इसलिए मैं जो स्लाइटिंग लाइन है ऊपर के साइड मैं दे रही हूँ, एल्बो के पास मैं सर्कल दे दूँगी और रिब के पास फिर से सर्कल दे दूँगी जो शोल्डर से छोटी होगी। आप अक्सर देखते होंगे कि विलेज की वोमेन सर पे चाहे घड़ा हो या सब्जी की टोकरी हो लेकर जाती हैं। अगर आपको इस टाइप का फिगर तैयार करना है जो सर पे कुछ लेके जा रही हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं यहाँ पे फेस ड्रॉ कर देती हूँ। फेस ड्रॉ करने के लिए मैं ये प्लस का साइन अक्सर लेती हूँ जब भी मैं फ्रंट फेस तैयार करती हूँ। मधुबनी पेंटिंग में आंखें काफ़ी बड़ी होती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आंखें बनाएं काफ़ी बड़ी बनाएं। ये मैं रफ स्केच तैयार कर रही हूँ, इसलिए जो भी मैं फाइनल स्केच तैयार करूँगी वो उसमें जो भी कमी होती है उसे मैं पूरा करूँगी, इसलिए मैं आपको रफ स्केच करके दिखा रही हूँ। इसी तरह मैं फिर बालों का पोजीशन, बाल कैसे बनाए जाते हैं, फिर झुमके वगैरह, दुपट्टे, तो वो बहुत इजी हो जाती है जब एक बार फिगर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे फिगर तैयार करने के बाद इसे ओवरराइड भी कर लिया है जो बहुत सुंदर लगने लगी है। अब हम लोग फोर्थ फिगर ड्रॉ करेंगे जो सिटिंग पोजीशन में होगी। ये फिगर अक्सर आपको देखने में मिलेगा अगर दुल्हन इस टाइप से बैठती हैं जब उसकी शादी हो रही होती हैं। अगर इस टाइप के आप कोवर में ये पेंटिंग आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वे कोवर में दुल्हन बनाए जाते हैं जो बैठी होती है अपने दूल्हे के साथ, तो दुल्हन के पोजीशन अक्सर ऐसा है, ऐसे ही पोजीशन में बैठती हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करती है इस टाइप की फिगर ड्रॉ करने में। यहाँ मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, चूँकि मैंने थ्री फिगर में बहुत अच्छे से ड्रॉ करके आपको बता दिया, तो वो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में बना लेते हैं तो सिटिंग पोजीशन में बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे ये फ्रंट फेस है लेकिन दुल्हन नीचे की साइड देख रही है, इसलिए मैं आंखें खुली नहीं बनाऊंगी, मैं बंद बनाऊंगी आंखें, क्योंकि अक्सर जब दुल्हन को तैयार किया जाता है तो वो उनकी दुल्हन सरमाई भी दिखाई जाती है, तो मैं यहाँ पे उसी को दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। दुल्हन की आंखें झुकी हुई हैं क्योंकि दुल्हन की सुंदरता तभी ज़्यादा खिल के आती है जब वो शर्मीली दुल्हन के रूप में नज़र आती है। तो यहाँ पे मैंने दुल्हन के लिए आंखें खुली नहीं रखी हैं और सुंदर सा दुपट्टा मैं बनाऊंगी जिससे दुल्हन लगे कि वो दुल्हन है, ना कि गांव की औरतें जो डेली वे में जो परिधान पहनती हैं वैसी पहनी है, वैसा बिल्कुल नहीं। इसे मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है और ये बहुत सुंदर लगने लगी है। इसी तरह अब मैं एक और सिटिंग पोजीशन में बनाऊंगी। ऐसे पोजीशन अक्सर आप देवी को या तपस्या में लीन औरत दिखाई देती हैं या पूजा कर रही हों उस पोजीशन में औरतें जब बैठती हैं तो इसी पोजीशन में बैठती हैं। अगर आप माँ दुर्गा की पेंटिंग तैयार कर रहे हैं या आप किसी भी देवी की पेंटिंग तैयार कर रहे हैं तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी पेंटिंग को बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देवी देवता इसी
पद्मासन में बैठते हैं, तो पद्मासन में कैसे ये पेंटिंग तैयार की जाती है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो जो ये इस ट्यूटोरियल में आपको मैंने इसी तरीके से बनाने की कोशिश से बताने की कोशिश की है कि ये वुमेन फिगर कैसे तैयार किया जाता है, उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इन सभी ड्राइंग को देखना चाहते हैं तो मेरे आप FB पेज पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे FB पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट, जो जिसका लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टाइप की पेंटिंग को तैयार करने में, इसके अलावा कोई और पोजीशन आपको बनाना है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये फार्मूला आपका वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ आपको हेल्प कर पाऊँगी। तो इस तरह ये मैंने तैयार कर लिया है ये 5 पेंटिंग। थैंक यू सो मच गाइज इस ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।